नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में, आपके साथ मैं पूनम। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि जिन लोगों ने गुलामी स्वीकार कर ली है वे कायर हैं, उन्हें महाविकास अघाड़ी नेताओं पर कमेंट नहीं करना चाहिए। मुझे इस मुद्दे पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होना है तब पता चल जाएगा कि कौन कितना झगड़ालू है। दरअसल 31 दिसंबर को महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार ने शिवसेना नेता को तुच्छ कहा था। 1 जनवरी को पत्रकारों ने इस पर राउत से सवाल किया, जवाब में उन्होंने ये बातें कही। शिवसेना नेता ने कहा कि महाराष्ट्र का लगातार अपमान किया जा रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग चुप्पी साधे हैं, उन्हें दूसरों की आलोचना करने का क्या अधिकार है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 2019 में चुनाव हुए थे। भाजपा 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और भाजपा गठबंधन में बात नहीं बन पाई। 56 विधायकों वाली शिवसेना ने 44 विधायकों वाली कांग्रेस और 53 विधायकों वाली NCP के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई। जून 2022 में एकनाथ शिंदे और शिवसेना के 39 अन्य विधायकों ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। शिवसेना के दो हिस्से हो गए थे। महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार गिर गई थी। एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार बना ली। भाजपा ने शिंदे को मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया था। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।